everyone. My name is Nazneen. I teach social science at Sarkaram Pathshala. आज का हमारा टॉपिक है मौसम और जलवायु। जैसे अगर हमें कोई प्लान बनाना होता है तो हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि कितने दिन में कितनी गर्मी पड़ेगी या क्या होगा, तो हम उस हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं। जैसे अगर अभी मैं कहूँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं अपना क्या करूँगी, प्लान कैंसिल कर दूंगी, और जब मौसम अच्छा होगा तो हम पिकनिक पे चले जाते हैं, राइट। तो ये जो वेदर और क्लाइमेट है ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों के ही मतलब अलग अलग होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो वेदर होता है ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये हमारी एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन है जो थोड़े टाइम के लिए है, और क्लाइमेट जो है वो हमारा कैसा होगा, एवरेज वेदर कंडीशन है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वेदर हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये हमारी किस टाइम के लिए, ओवर अ शॉर्ट टाइम। और क्लाइमेट हमारा क्या होगा, ये हमारी क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है। ये बताता है कि इस जगह का एवरेज वेदर कितना है, ठीक है। और ये क्या बताता है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए है, कि जैसे अभी क्या हो रहा है, धूप हो रही है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, हवा चल रही, तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। और ये हमारा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, इसको चेंज होने के लिए एटलीस्ट कम से कम हमें मिनिमम जो है 30 इयर्स का टाइम पीरियड चाहिए होता है। कि हम ये नहीं कहेंगे 4 दिन गर्मी है तो वहां का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो यहाँ क्या है हमारा, मिनिमम 30 इयर्स का हमें जो है एक पीरियड जो है चाहिए होता है, ठीक है। ये हमें 1000 या डिकेड्स लग जाते हैं इसको चेंज होने में। और ये कैसे चेंज होता है हमारा, ये फ्रॉम मिनट्स टू डे, डे टू वीक। और ये हमारा कैसे चेंज होगा, ये कम से कम 1000 इयर्स लगते हैं इसको चेंज होने में। ये जो है हमारा ये थोड़े टाइम के लिए है, तो ये हमारा क्या हुआ, शॉर्ट टर्म, और ये हमारा हुआ लॉन्ग टर्म। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो जैसे कि हॉट कोल्ड, कि आज मौसम कैसा है, ठंडा है, या फिर कोई कहता है आज सैटरडे को तो यार बहुत बारिश हुई है, संडे को दोबारा से क्या हो गई है, धूप आ गई तो उसकी वजह से गर्मी हो गई है, तो ये सनी हो सकता है, रेनी, क्लाउडी, विंडी, एक्सेट्रा। और ये हमारा कैसा होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया, तो इंडिया का जो मानसून, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, मानसून टाइप। क्यों है ये मानसून टाइप, हम क्यों कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। आपने कभी नोट किया है क्या, ऐसा हुआ है कि आपने अप्रैल के मंथ में स्वेटर्स पहनना स्टार्ट कर दिया, वहां ऐसा नहीं हुआ। तो ये जब आप छोटे से थे तब से अब तक आपने ये चीज नहीं चेंज देखा होगा, तो ये क्या हुआ, लॉन्ग टाइम के लिए है। तो इंडिया की जो हवा चलती है, जो हमारे यहाँ बारिश आती है, वो मानसून विंड्स की वजह से आती है, इसीलिए इंडिया में क्या है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये होता क्यों है, तो देखो जो वेदर है इसके चेंज होने का जो रीजन है, तो वेदर तो चेंज होता है हमारा रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल अगर ज्यादा होती है टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ठंड जो है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। तो इसका हमें क्या मिला, इसके हमें फैक्टर्स क्या मिले, या कंपोनेंट्स जो भी आप कहना चाहें, तो इसके फैक्टर्स जो होंगे वो हुआ रेनफॉल, कि बारिश कितनी हुई है, टेम्परेचर कैसा था,
टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्मी होगी, और हवा चलने से, जैसे जब लू चलती है तो ऑब्वियस है कि लू एक क्या है, गर्म हवा है, तो लू चलेगी तो गर्मी होगी तो मौसम बदल जाएगा। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि यार हमारी जलवायु बदल गई, हम क्या बोलते हैं, आज मौसम अच्छा है चलो घूमने चल रहे हैं, आज मौसम बेकार है घर में रुक जाते हैं, बारिश हो रही है ये सब क्या है, ऐसा तो नहीं है बहुत टाइम तक रहता है, बारिश के महीने में ही तो बरसात होती है और वो फिर उसी मंथ होती है, ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज बारिश हो रही है, वो कब होता है जब हम मानसून सीजन हमारे यहाँ पे आता है, इसी के ऊपर हमारे सीजन्स डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के जो कंपोनेंट्स हैं या इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या बनेंगे, एक तो सबसे पहले जगह कहाँ पे लोकेट है, जैसे साउथ अफ्रीका है तो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा क्या होती है गर्मी, तो वहां का क्लाइमेट कैसा हुआ, हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट हुआ। इंडिया में हमें सारे सीजन देखने को मिलते हैं, आपको इंडिया में गर्मी भी मिलेगी सर्दी भी मिलेगी, कभी आप धूप आपको अच्छी लगती है कभी आपको धूप बेकार लगती है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो फैक्टर्स बनेंगे हमारा अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई की, कोई जगह कितनी ऊंचाई पे है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लैटिट्यूड वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन है तो जो लेटी हुई लाइन है उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, और हमारी जगह कितनी दूर है हमारे सी या ओशन से, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी। देखो पानी के पास गर्मी भी ज्यादा होती है तो वहां टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट, पानी क्यों, जल्दी वो ठंडा भी होता है और जल्दी गर्म भी होता है, जैसे अगर आप दुबई देखो सऊदी अरब देखो ठीक है, तो वहां पे क्या होता है सारी जगह सैंड सैंड है, तो ऐसे ही जैसे पानी जल्दी गर्म हो रहा है उतनी जल्दी ठंडा होता है, रेत का भी सेम ऐसा ही होता है, सैंड जो है वो जल्दी से गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है।